हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि क्लास नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे DPT, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन पूछ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये है आपका कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, ठीक है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसका आपका आंसर बता देंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। अब देखिए, यहाँ विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन होता क्या है, आपको पता ही होगा विस्थापन क्या होता है कि वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और अंतिम स्थिति ये आपकी है, ठीक है। इस तरह से आपका अंतिम स्थिति हो जाएगी, ठीक है, ये है। तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी यहाँ पे हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये आपका कहलाता है, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, आपका विस्थापन हो जाएगा। यही आपको कह रहा है कि अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है, इसका तो विस्थापन का ये डिफिनेशन हो जाएगा। और विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि। और इसका मान जो होता है वो क्या होता है, इसका अगर मान की बात करें तो ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ये आपका शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे तय की गई दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि तय दूरी यहाँ पर शून्य कर रहा है। और इसका मान इसमें सब हो सकता है, धनात्मक पद, निगेटिव, शून्य या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें कहा गया है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। किसको न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, उसको कहते हैं ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऊर्जा। और ऊर्जा क्या कहता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है आपकी, ये होती है आपकी ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा क्या कहलाती है, ये आपकी जो एक अदिश राशि भी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है। ऊर्जा एक अदिश राशि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट पूछ दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये क्वेश्चन है आपको काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन है, लाइट से क्वेश्चन पूरे लेंस से पूछा गया है। एक लेंस में इतना डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की जो किस्म होगी और किस इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, ठीक है। लेंस की किस्म पूछ रहा है, यानी कि लेंस किस तरह, अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, ये आपको बताना है, और लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है पी क्या होता है, ये आपको शक्ति होगी, यहाँ पे शक्ति जो होगी पी होगी। ये कितना दिया गया, प्लस का मतलब यहाँ पे इसकी कितना दिया है, प्लस यहाँ पे दे दिया आपका पी का जो वैल्यू है, ये दिया गया है प्लस का 2.0 डायोप्टर, ठीक है। ये डायोप्टर का चिन्ह है, पी दिया है। और एफ आपको बताना है, जिसको कहते हैं फोकल लंबाई, ठीक है, उसको कहते हैं फोकल लंबाई। तो पी इक्वल टू कितना होता है, 1/f, ये आपको यहाँ बताना है। तो एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा f, जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, यानी कि 0.5 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है, 0.5, वो भी आपका प्लस में, तो ये 0.5 मीटर। अब देखिए यहाँ प्लस में आया है तो ये तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा, और 0.5 मीटर यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेंस से आपको जो है लाइट चैप्टर से पूछा गया, लेंस से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, देखिए यहाँ पे खाली स्थान होगा, ठीक है, में इसमें से किसका जो है गुण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन चैप्टर से जो आपका चैप्टर होता है फ्रिक्शन, उस वहाँ से क्वेश्चन पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में इसमें से किसका किसके गुण का उपयोग किया जाता है, तो घर्षण बल के सकारात्मक प्रभाव के लिए यहाँ पे के गुण का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, जो कारों का जो ब्रेकिंग जो आपका पैड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल देखिए, जो घर्षण बल होता है फ्रिक्शन फोर्स इसको कहते हैं, तो ये किससे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कि यहाँ पे ये होता है
कि दो वस्तु अगर संपर्क में रखी हैं, जैसे मान लीजिए वस्तु आपके संपर्क में रखी है, ठीक है, तो इन दो वस्तुओं के संपर्क में, ठीक है, ये अगर दोनों वस्तु गति कर रही हैं तो इसके बीच में एक तरह का बल कार्य करता है, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में एक तरह का क्या करता है, एक बल कार्य करता है। और जो ये बल होता है ये क्या करता है, दोनों ये गति, अगर दोनों वस्तु गति कर रही हैं उस गति का विरोध करता है, उसको रोकता है, ठीक है, तो जो रोकता है तो उसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, उसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल, जो इन दोनों की गति का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल का ये आपका डेफिनेशन था यहाँ पे, और इसका उपयोग किया जाता है किसमें, घर्षण बल का सकारात्मक प्रभाव के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, ये कहा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार दीजिएगा यहाँ पे, इसको सुधार दीजिएगा। देखिए यहाँ सुधारना ये है कि ये आपका C2H6 है, ठीक है, ये आपका C3H8 है, ठीक है, और यहाँ पे CH4 है, ये C4H10 है, यहाँ पे सुधार दीजिएगा, ये गलत से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो प्रोपेन सबसे पहले एन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, यानी कि एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे देखिए एल्केन ग्रुप का फार्मूला कई बार बता चुके हैं, ये होता है आपका CnCnH2n, ठीक है, प्लस टू, CnH2n प्लस टू होता है। तो यहाँ पे एन प्रोपेन का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्री है, एन बराबर कितना रखेगा आपका, थ्री, एन बराबर कितना होगा, थ्री, अगर यहाँ पर सी थ्री रखें और एच कितना हो जाएगा यहाँ पर, एच सिक्स, ठीक है, सिक्स और प्लस ये हो जाएगा टू, तो C3H8 हो जाएगा, C3H8 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन यहाँ पे हो जाएगा C3H8। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रोपेन के रसायन। इसी तरह से अगर आप ब्यूटेन बताना है, ब्यूटेन तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्यूटेन बताना हो तो फार्मूला यही लगेगा CnH2n प्लस टू, ठीक है, ये आपका ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप प्रोपेन कहा है, लेकिन आगे की क्लास में आप देखेंगे कहीं ब्यूटेन पूछ दे, पेंटेन पूछ दे, हेक्सेन पूछ दे, हेप्टेन पूछ दे, ऑक्टेन पूछ दे, तो उसके लिए क्या करना है, बस केवल आपको नंबर चेंज करना है। यहाँ ब्यूटेन के लिए क्या हो जाएगा, एन बराबर फोर हो जाएगा, तो फोर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सी फोर, यहाँ पे टू इंटू फोर प्लस ये हो जाएगा दो, यानी सी फोर एच, ये एट टू टेन, ठीक है, एच कितना हो जाएगा टेन, ठीक है, तो सी फोर एच टेन ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन का हो जाएगा। अगर ब्यूटीन करें तो क्या होगा, ब्यूटीन अगर कहे यहाँ पे, अगर आपको कहे कि ब्यूटीन के बताइए यहाँ से ब्यूटीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है, ब्यूटीन, ब्यूटीन इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्या बताएंगे, ब्यूटीन के लिए एन बराबर सबसे पहले तो फोर रहेगा, ठीक है, लेकिन इन ग्रुप है तो यहाँ पर एल्केन था, एन था, एन यहाँ पर एल्किन ग्रुप है, तो एल्किन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये एल्किन ग्रुप का है, तो C4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या रखेंगे, चार रखेंगे तो ये हो जाएगा एट, C4H8 ये आपका ब्यूटीन का हो जाएगा, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्किन और एल्काइन, एल्किन को ओलेफिन भी कहते हैं, उसको दोनों क्या होगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सैचुरेटेड, जिसका संतृप्त को सैचुरेटेड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो ये आपका जो है कुछ पॉइंट था, इसके हम सोचे तो यहाँ बता दें, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और इसका जो अगला पार्ट होगा हम अगले क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।